वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के हमारे काउंटडाउन में ऐसे ड्रामास हैं जिनकी कहानी बहुत ही यूनिक और डिफरेंट है, जिनको देखने के बाद आप वाकई कहोगे कि ये होता है असली ड्रामा जो आपको एक नए जहान में ले जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मेरा दर्द बेजुबान। ड्रामा सीरियल मेरा दर्द बेजुबान एक यूनिक ड्रामा है। इसमें आयशा उमर ने सोहा का रोल प्ले किया है। मेरा दर्द बेजुबान का मरकजी ख्याल हमारे मुआशरती निज़ाम की दो इंतहाओं से मुतालिक है। या तो हम इंतहाई मजहबी हैं या इंतहाई जदीद, और दोनों को फख्र है कि वो सही है और दूसरा गलत रस्ते पर है। हमारे मुआशरे में ये एक आम रवाज है कि लोग सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए खुद को और अपने ख्वाबों और मकासद को बदलते रहते हैं। खास तौर पर खवातीन की बात की जाए जो कि मुसलसल बदलती रहती हैं और बाज़ औक़ात दूसरों को मुतमईन करने के लिए अपने जज्बात पर जुल्म करती हैं। दो मरकजी किरदार सोहा और सवेरा ने एक बहुत ही कामयाब मुस्तकबिल की जिंदगी की मनसूबाबंदी की है और इसे अपने तरीके से बड़ा बनाने के ख्वाब हैं, लेकिन नतीजा उनकी उम्मीद से बहुत दूर होता है। कास्ट में समी खान, लुबना असलम, सीमी पाशा, सोनिया हुसैन, आयशा उमर, उज्मा ताहिर, सिडा बतूल शामिल हैं। नंबर 9, बदगुमान। ड्रामा सीरियल बदगुमान एक सोप सीरियल है जो भारत में बहुत ही फेमस हुआ। ड्रामे की मरकजी कास्ट के तीन हीरोज हैं इमरान अशरफ, उमर फारूक, शामिल खान। सोप की कहानी एक फैमिली मैन सलमान के गिर्द घूमती है जो अपनी बीवी सानिया और दो बेटियों के साथ खुशी से रह रहा होता है। सलमान की बहन उसी घर में रहती है जिसकी एक बेटी की शादी सानिया के भाई से हुई होती है। सलमान की जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब एक खूबसूरत खातून उनके दफ्तर में दाखिल होती है। सबाहत एक मैच्योर औरत होती है जिसने अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी की वजह से शादी नहीं की होती। अब वो अपने छोटे भाई राहिल की किसी अच्छे घराने में शादी करना चाहती है। थोड़ी सी छानबीन के बाद सलमान की भांजी के लिए राहिल का प्रपोजल कबूल कर लिया जाता है। शादी के दौरान सलमान और सबाहत एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, ये गहरा रिश्ता बन जाता है। अगरचे सलमान शादीशुदा होता है पर वो सबाहत की शख्सियत से दूर नहीं रह सकता, इससे एक अजीब सिचुएशन पैदा होती है। नंबर 8, सिन्फे आहन। सिन्फे आहन ड्रामा तो नई जनरेशन के लिए बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशन है। सजल अली, यमुना जैदी, सायरा यूसुफ, कुबरा खान और अमशा खान समेत देगर अदाकारों की कास्ट पर मुबनी ड्रामा हॉट डिस्कशन टॉपिक्स में शामिल है। ड्रामे का ट्रेंड ट्विटर पर टॉप ट्रेंड रहा और लोगों ने न सिर्फ ड्रामे के आगाज को दूसरों से मुख्तलिफ करार दिया बल्कि तमाम अदाकाराओं की परफॉर्मेंस की तारीफें भी की। ज्यादातर अफराद ने यमुना जैदी और अमशा खान की अदाकारी की तारीफ की और कहा कि दोनों अदाकाराओं ने पश्तून और बलोची लड़की का किरदार अच्छे तरीके से निभाया। ड्रामे में यमुना जैदी पश्तून फौजी अफसर शाइस्ता खान ज़ादा जबकि रमशा खान बलोच फौजी अफसर परिवेश जमाल का किरदार अदा करती दिखाई देंगी। लड़कियों ने उन्हें रोल मॉडल मान लिया है। नंबर 7, मेरी जान। ड्रामा सीरियल मेरी जान हम टीवी का ड्रामा सीरियल है। इस ड्रामे में मेन रोल हुमायूं सईद का है। ड्रामे की टोटल 13 एक साथ है। मेरी जान की मरकजी कहानी एक ग्लैमरस टीवी स्टार के गिर्द घूमती है जिसका किरदार नादिया जमील ने अदा किया है। ड्रामे में मरकजी किरदार कशी की कमी है। नादिया को एक अच्छी अदाकारा समझा जाता है, ताहम वो ग्लैमरस स्टार बॉडी लैंग्वेज स्टाइल हर चीज का जादू नादिया जमील तब्दील नहीं कर पाए। मेरी जान ड्रामे में स्टार तफ्तीश और कहानी की लाइन में पुलिस भी है। वो किरदार शबीर जान ZQ और दीपक परवानी ने अदा किए हैं। इस ड्रामे में हुमायूं सईद आखिरकार कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं। फैसल कुरैशी एक चैलेंजिंग किरदार में थे जो वो बहुत अच्छे अंदाज में अदा कर रहे हैं। नंबर 6, अकबरी अस्करी। ड्रामा सीरियल अकबरी अस्करी एक यूनिक ड्रामा है। मीरातुल उरूस की कहानी को हम टीवी पर अकबरी अस्करी के नाम से नशर होने वाले एक मजाहिया टेलीविजन ड्रामे में ढाला गया था जिसमें अकबरी का मरकजी किरदार सनम बलोच और अस्करी ने अदा किया है। हुमायमा मलिक ने इमरान अब्बास और फवाद खान लीड रोल में है। कहानी दो बहनों अकबरी और अस्करी की है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिरौन मुल्क गुजार दी, लेकिन उनके वालिद चाहते हैं कि उनकी शादी अपने भांजो अकबर और अस्कर से कर दें। अकबरी अपने वालिदैन का दिल जीतना चाहती है, दूसरी तरफ अस्करी मुनाफिक नहीं है और वो सब कुछ सरेआम करती है। अकबरी को एक ईसाई लड़के रॉजर में दिलचस्पी है। अस्करी मौके पर ही इनकार कर देती है जबकि अकबरी राजी हो जाती है। जब हातिम शादी की शॉपिंग करने जाता है तो अकबरी घर से भागने का इरादा करती है। वो रॉजर के पास जाती है जहाँ वो एक लड़की के साथ होता है। वो उसे बताता है कि लड़की उसकी बीवी है। अकबरी हैरान रह जाती है। नंबर 5, दो बोल। ड्रामा सीरियल दो बोल एक मुख्तलिफ मगर पॉपुलर स्टोरी है। दो बोल ड्रामे को ARY डिजिटल पर साल 2019 में पेश किया गया
इस ड्रामे में मरकजी किरदार अफान वहीद, हिरा मानी, लाइबा खान, हरुण शाहिद और अनम तनवीर ने अदा किया। ये ड्रामे की कहानी दो मुख्तलिफ खानदानों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के गिर्द घूमती है। हिरा मानी गीति का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि अमीर घराने से ताल्लुक रखती है, जबकि अफान वहीद ने बदर का किरदार अदा किया है, जो कि मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखता है। वो गीति के घर काम करता है और गीति से मोहब्बत करने लगता है। गीति किसी मजबूरी में बदर से शादी कर लेती है। इस तरह प्यार और नफरत की दास्तान शुरू हो जाती है। नंबर 4, बाबा जानी। ड्रामा सीरियल बाबा जानी एक यूनिक स्टोरी ड्रामा है, जो रोलर कोस्टर की तरह बहुत से मोड़ मुड़ता है। इसे फायजा इफ्तिखार ने लिखा है, फैसल कुरैशी ने प्रोड्यूस किया था और अली फैजान ने हिदायतकारी की थी। इसमें फैसल कुरैशी, मदीहा इमाम, सवेरा नदीम और सबा हमीद ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। ऐसे शख्स की कहानी है, जो अपनी जिम्मेदारियों को हर सूरत पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। फैसल कुरैशी इस ड्रामे में असफन नामी शख्स का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी और दो छोटी बहनें हैं, जिनके मुतालबात पूरे करना उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाता है। ड्रामे में फैसल कुरैशी की मोहब्बत और उनकी कज़न महविश का किरदार फरियाल महमूद ने अदा किया है, जिसकी उनसे मंगनी भी हो जाती है, मगर बाद हज़ा उनका ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जिसका इल्म असफन को भी हो जाता है। दूसरी जानेब सवेरा नदीम को एक बेवा सादिया के रूप में दिखाया गया है, जिससे बाद में फैसल कुरैशी की शादी होती है, जबकि मदीहा इमाम ने उनकी बेटी निमरा का किरदार अदा किया है। नंबर 3, दिल ही तो है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट से दिल ही तो है के नाम से एक नई ड्रामा सीरियल प्राइम टाइम में पेश की गई, जिसमें मोहब्बत, नफरत और हसद जैसे फितरी इंसानी जज्बों की तर्जमानी की गई है। ये ड्रामा हर एज फैक्टर के लिए है। इस कहानी के तीन मरकजी किरदार हैं, जुबैदा, इसकी छोटी बहन सुल्ताना और जुबैदा का शौहर अहमद अली। अहमद अली बहुत रईस है और उसके पास दौलत के अंबार हैं, मगर वो अपनी बीवी से ज़्यादा सुल्ताना की तरह झुकाव रखता है। इधर सुल्ताना भी अहमद अली की खुद पर गैर मामूली तवज्जो को अहमियत देती है, लेकिन जुबैदा को इसका शायबा तक नहीं। यहाँ तक कि वो सुल्ताना की माली इमदाद भी करती रहती है, क्योंकि उसके तीन बेटियाँ हैं, जबकि आमदनी भी महदूद थी। सुल्ताना जुबैदा की खुशकिस्मती पर खुद से नाराज है और दिल में हसद रखती है। इसी दौरान जब जुबैदा की इकलौती बेटी की शादी एक आला घराने में तय पाती है, तो सुल्ताना अपने हसद को जब्त नहीं कर पाती और यह हसद मजीद बढ़कर नफरत में बदल जाता है। नंबर 2, बख्तावर। बख्तावर इस वक्त का सुपरहिट सीरियल है। बख्तावर की कहानी बख्तावर नाम में एक लड़की के गिर्द घूमती है, जिसे अदाकारा यमुना जैदी ने अदा किया है। बख्तावर के वालिद जुए के बाजी हारने के बाद उसकी बड़ी बहन की शादी एक बड़ी उम्र के शख्स से करा देते हैं और फिर वह खुद घर से गायब हो जाते हैं। छोटा भाई मजदूरी की हालत में बिस्तर पर पड़े पड़े फोत हो जाता है, जबकि चचा जैसे करीबी रिश्तेदार बख्तावर की माँ से माली कफालत के बदले अपने जहनी मजदूर बेटे के लिए बख्तावर का रिश्ता मांगते हैं। इसके बाद मजीद पे दर पे वाकयात बख्तावर को मर्दाना हुलिया अपनाने पर उकसाते हैं। बख्तावर की मुसन्निफा नादिया अख्तर का दावा है कि ये कहानी मुख्तलिफ हकीकी किरदारों और सच्चे वाकयात पर मबनी है, जिसमें कुछ जाती जिंदगी और कुछ दोस्तों के तजुर्बात शामिल हैं, जबकि कुछ मवाद मीडिया क्लिप से मुस्तार लिए गए हैं। नंबर 1, बेबी बाजी। एआईवाई का बेबी बाजी सीरियल अपने अंदर सास और बहू की ऐसी दास्तान समेटे हुए है, जो आज के माशरे में हर घर की कहानी है। माए बेटों को बड़ी खुशी से ब्याह कर लाती हैं, मगर आने वाली बहुओं के मिजाज किसी तौर घर के अफराद से नहीं मिलते। बेबी बाजी कहानी का वो किरदार हैं, जिन्होंने अजरा जैसी तेज तरार बहू के होते हुए अभी तक खानदान के हर फर्द को साथ जोड़े रखा है। बेबी बाजी जहां चारों बेटों को एक ही घर में रखना चाहती है, वहां अजरा कोई ना कोई बात करके नौबत झगड़े तक पहुंचा देती है। अजरा चाहती है कि घर का हर फर्द मेरे ताबे हो, मगर जहां बेबी बाजी जैसी सुलझी हुई सास हो, तो वहां अजरा की कमान से निकला हुआ तीर कभी निशाने पर नहीं लगता। इस सब के बरक्स बेबी बाजी की दूसरी बहू अस्मा खामोश तबीयत मालूम हुई। नसीर का रवैया अस्मा और अपने बेटे से उखड़ा उखड़ा रहता है। अस्मा भी खामोशी से नसीर के रवैये पर समझौता कर लेती है, मगर बेटे के सामने अपनी तजलील पर अपने शौहर को टोक देती है। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।